नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने सिलिकॉन प्रोडक्ट का वाटर टेस्ट में दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे हाथ में एक सिलिकॉन फुट है जो कि हमारे कंपनी ने में ही बनता है। और इसको हम आज जो है कि कुछ लोगों का क्वेरीज रहता है कि वाटर में हम इसको पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, या वाटर पहन से लगने से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। तो मैं आपको एक डेमो दिखाना चाह रहा हूँ, वाटर इसका टेस्ट दिखाने चाह रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हम इसमें पानी भर सकते हैं आराम से, ठीक है। जैसे कि ये फुट है, किसी का एम्पुटेशन हो रखा है जो कि इतना पाव कटा हुआ है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। इसमें थोड़ी आपकी थोड़ी आवाज पानी की आवाज ज्यादा आ रही होगी नल की, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं इतना पांव कटा हुआ है उनका। तो ये पहन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और ये पहनकर पैर भी धो सकते हैं, नहा भी सकते हैं, ठीक है, और स्विमिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसको निकालने के बाद निकालकर पैर को सुखाकर फिर पहनना है, नहीं तो फिर उसमें रैशेस वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार इसमें दिखाइए बाल्टी में, जैसे हमने डुबा दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने इसमें बाल्टी में डालकर इसमें ऐसे डुबो दे रहा हूं। और मैं आपको साबुन भी लगाकर दिखाऊंगा कि इसमें कैसे, मतलब कि साबुन से हम यदि वॉश कर सकते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। कोई भी साबुन सर्फ या मतलब आपको शैम्पू से आप इसको वॉश कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि बिल्कुल रगड़ रगड़ के धोइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से आप रगड़ रगड़ कर आप धो सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको पहनकर नहाइए, डुबकी लगाइए, नदी में, समुन्द्र में, कहीं पे भी आप इसको पहनकर आप नहा सकते हैं और पानी में भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप पानी से आप ज्यादा देर ना रहे, नहीं तो जो स्टाम्प पे पानी चला जाएगा तो उसमें फ्रिक्शन के होने की वजह से आपको पैर में रैशेस आ सकते हैं। तो आपको मैं अभी एक छोटा सा डेमो दिखा रहा हूँ कि हम साबुन से कैसे हम कंटिन्यू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पतंजलि का अमेरिका से, हाँ पतंजलि का ये साबुन है, नीम सॉप है। तो मैं इससे इसको धो रहा हूं, ठीक है, आपको समझ आएगा मेरे ख्याल से, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अंदर भी डाल देते हैं थोड़ा और अच्छे से इसको फिर हम हटा देते हैं। ये मैंने साबुन से धो दिया। आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप देखिए, आप पास में आकर देखिए, पास में थोड़ा क्लोजअप दिखाइए मैडम, ये दिखाई देखिए, ठीक है, बिल्कुल एकदम हमने इसको अच्छे से रगड़ कर, जैसे आप पैर धोते हैं वैसे आप इसको धो सकते हैं बिल्कुल एकदम, ठीक है। बस नाखून ना लगे, ये ध्यान रखना है आपको, नाखून लगने से या कोई भी शार्प एज लगने से ये कटने फटने का डर रहता है, तो इन सब चीजों से आप बचाएं। अब देखिए, ये हमने धो दिया इसको अच्छे से, और फिर आप इसमें पानी में डालकर आप इसको अच्छे से आप इसको क्लीन कर लें और ड्राई कर लें आप, ठीक है। ये देखिए कितना बढ़िया से धुल गया, पैर आपको गंदा हो पहनते समय तो आप इसको अच्छे से साबुन से, सर्फ से या मतलब शैम्पू से, सर्फ ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, बहुत हार्श होता है। शैम्पू नहीं तो हैंड वॉश वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखें कि नाखून पे आपका नहीं कोई फोर्स लगना चाहिए, नहीं तो नाखून निकल के आ जाएगा। ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये नाखून पे आप यदि आप फोर्स लगाएंगे तो नाखून निकल के आ जाएगा, यदि सिलिकॉन का नाखून नहीं है, एक्रेलिक नाखून इसमें लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये इस नाखून को निकलने से बचा सकते हैं जब इस पे रब नहीं करना है आपको, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज इट इज आपका कोई शेप में कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई वाटर शॉक नहीं करता है, ये बिल्कुल वाटर रेसिस्टेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो वेट पहले था अभी भी वही वेट है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लोगों को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को पता चले कि सिलिकॉन पैर पहनकर आदमी नहा भी सकता है, तैर भी सकता है और कहीं पानी में घूम भी सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, ठीक है। इस पे कोई असर नहीं होता है पानी का, ठीक है, किसी भी तरह के वाटर का, सॉल्टी वाटर हो या सी वाटर हो, ओशन वाटर हो, रिवर वाटर हो, आरओ वाटर हो, कोई भी वाटर का कोई इस पे असर नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आपने वॉश कर लिया साबुन से, उसके बाद पूरे प्रॉपरली इसको टैप करना है आपको कोई टॉवल से या कोई सॉफ्ट कपड़ा से,
और थोड़ा देर के लिए आपको ड्राई करना है ताकि आपकी जो अंदर की वाटर जो है वो प्रॉपरली ये सोख जाए और पहनते समय कोई फ्रिक्शन ना हो या कोई रैशेस ना आए। ठीक है, फ्रिक्शन होंगे तो रैशेस आएंगे इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीट एंड क्लीन हो गया बिल्कुल। और थोड़े देर के लिए इसको ड्राई कर दीजिए आराम से, देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है,